संविधान को बर्खास्त किया है कांग्रेस पार्टी ने, कहा कि रविंद्र सिंह का साथ दिया है, उनको वोट नहीं दिलाए, रविंद्र सिंह को खुले। अमीन खान साहब मेरे परिवार के हैं और हमारे क्षेत्र के सबसे वरिष्ठतम और कद्दावर नेता वो हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ और जीवन भर करूँगा। रही बात दूसरी, उन्होंने मुझे कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरा बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पे आशीर्वाद जताया, मैं उनका एहसान मंद हूँ। हरी चौधरी का कहना है कि ए और बी टीम अब बीजेपी और भी हरी जो है पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जो है वो उनकी गलती नहीं है। वो काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं, उनको लगा कि मैं सबको निपटा के मैं अकेला रह जाऊंगा, पर अब जब वो देखते हैं कि साहब नए लोग आगे आ रहे हैं तो बौखलाहट है, जाहिर सी बात है, बड़े नेता है, अब उम्र भी हो गई उनकी, बौखलाहट होनी लाजिम। हरी चौधरी ने चुनाव टाइम में चुनावी में जो है वो थुमली में धरना प्रदर्शन भी किया था, उन्होंने उनका कहना है कि हमारे लोगों के साथ जो है वो मारपीट हुई है। उनको उड़दंग करने का शौक है, अभी नई नई उड़दंग वाली नेतागिरी उन्होंने सीखी है तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ नहीं कुछ भी। रविंद्र सिंह पार्टी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त हूँ, बिना देखे तान लागत उसे। आपने बल्होत्रा में एसपी ऑफिस का घेराव किया था, उसके बाद 32 जनों के खिलाफ नामजद हुआ है, मतलब 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें 32 लोग नाम से मुकदमा दर्ज हुए। आपका भी साथ में। सरकार सबकी आवाज़ को दबाना चाह रही है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना ऐसे कभी दबे हैं ना कभी दबेंगे। जहाँ कहीं पर भी हक और अधिकारों की बात आई, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते जाएंगे। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटिया आज या कल अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जल्दी देंगे और निश्चित तौर पर देंगे। सर, लोकसभा चुनाव में अलग अलग स्थानों पर झगड़े हो रहे थे कि सब ये निर्दलीय प्रत्याशी करा रहा है, ये क्या है? ये उनकी हार की बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं वो बता रही है कि 4 तारीख को एक बदलाव हो रहा है, तो उससे पहले ये तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनका स्वागत है। कलेक्टर को आपके खिलाफ ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं? दीजिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष होके आप जांच करवाएं, जो आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कांग्रेस और बीजेपी में बड़े बड़े नेता आते थे, आपके पार्टी के लीडर आप ही थे, मतलब कैसा लग रहा था आपको कि भाई इनके? देखिए सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास बड़ा सा फंड था, बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, बड़े बड़े नेता थे, पर साहब सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे इस थार की जनता को पता था कि ये तमाम लोग 26 तारीख तक आएंगे, 27 तारीख के बाद में अगर कोई हमारे बीच में रहा, हमारी कोई जिसने कभी बात सुनी, तो वो रविंद्र रहेगा, तो थार की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। सर, कई लोग हम जा रहे थे तो वहाँ कह रहे थे हर समय रविंद्र सिंह है, कि उनका कहना है मारवाड़ी में कल लौट आ गया, कह यहाँ कुश्ती थोड़ी लड़नी है। बिल्कुल कुश्ती तो है जी साहब, कबड्डी जो है कुश्ती तो है, वो ना जो लागे ना दे, जनता जवाब दे चुकी है, हारी बौखलाहट है, कहीं भी कह सके आज, तो कई सारा और चीज़ें के हैं, स्वागत है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता पर आपको कितना विश्वास है? 100% भरोसा, ये मेरे परिवार के हैं, मेरे पिता तुले बुजुर्ग मातृशक्ति और विशेषकर मेरे युवा साथियों पे पूरा विश्वास है कि वो अपने भाई की इज्जत जरूर रखेंगे, इसका मान जरूर रखेंगे। सर, एक अंतिम सवाल करूँगा, आपने एक विधानसभा चुनाव लड़े थे उस समय, लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि रविंद्र सिंह ने जनता की शिव की जनता को विश्वास दिलाया था कि मैं 5 साल आपके साथ काम करूंगा, और उन्होंने कसम भी खाई थी, वो कसम कैसे तोड़ दी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव बाड़मेर का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, जो जीवन भर रहेगा, उसको हमने कहीं और नहीं भेजा है। और रही बात दूसरी, मैं तो 5 साल की कह के आया था, पर मैं 50 साल इनके बीच में रहूँगा, ये आपके साथ आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ। सर, कोई संदेश आपका? मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं, अब शांति व्यवस्था को आप बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें।